नंबर छह देखिए, बगल के चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल बी ए सी 30 डिग्री, एंगल बी ए सी 30 डिग्री है, तो नीचे दिए गए कोण की माप निकालनी है, ये समझ गए ना। पहला दिया है एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, चलिए इसको निकालने के लिए पहले देख लीजिए, यहां ये क्या है, ये देख रहे हैं ना, जीवा है ना, ये जीवा है ना, और ये आपका क्या है, चाप है, ये बीसी चाप देखिए, तो एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त पर के कोण का क्या होता है, क्या होता है उसका, दोगुना होता है ना, इसका यानी कि एंगल ए का ये वाला बी ओ सी क्या होगा, दोगुना होगा, समझ रहे ना बात को। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा दो गुना एंगल बी ए सी, क्यों होगा, तो आपको पता है कि एक ही, या ऐसे लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर, इस तरह से लिखते हैं, वृत्त के केंद्र पर, केंद्र पर चाप द्वारा, चाप द्वारा, चाप द्वारा बना कोण, बना कोण वृत्त पर के कोण का दो गुना होता है, दो गुना होता है, ठीक है। चलिए तो यानी कि यहां से हो जाएगा बी ओ सी बराबर 2 × 30 यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा, समझ गए। अच्छा ये तो